Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about category theory what is category theory what are the advantages of category theory let's discuss about it so what is category theory category theory is is basically a study jo ki hame offer karti hai bird eye view ab bird eye view kis tarike se ke like agar aap duniya ke upar एक बहुत दूर एक परिंदे को खड़ा कर दें तो वो परिंदा किस तरीके से चीज़ों को देखेगा वो इस तरह से देखेगा कि उसे कुछ structures नज़र आएंगे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे कुछ ऑब्जेक्ट जिसको हम कह सकते हैं वो उसे नज़र आएंगे उसे नहीं पता होगा कि इसके अंदर है क्या लेकिन वो शायद इन सबको रिलेट कर पाए कि हाँ भाई ये ये एक क्लास है ये एक क्लास है सो so ये इस तरीके का व्यू जो है वो ऑफ़र करता है हमें कैटेगरी थ्योरी कि हम किस तरीके से उसे ऊपर से चीज़ों को ऊपर से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो जिस जिन जिन चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं हमें वो पता चल जाए तो हम बता सकें कि भाई ये ऑब्जेक्ट किस तरीके का हो सकता है सो so, इस तरीके का बर्ड व्यू हमें ऑफर करता है कैटेगरी थ्योरी कैटेगरी थ्योरी इज़ बेसिकली अ यूनिवर्सल लैंग्वेज विच अलाउज़ अस टू स्पीक अबाउट मल्टीपल एरियाज ऑफ मैथ्स एट सेम टाइम अब ये कैसे अब लाइक मेरे पास न्यूरो साइंस एक एक फील्ड है और एक फील्ड है टोपोलॉजी ठीक है एक जाहिर सी बात है न्यूरोसाइंस न्यूरोस के अबाउट है और टोपोलॉजी जो है वो शेप्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में तो अगर मैं ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हूँ या ना करती हूँ लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ मैं दोनों को कैटेगराइज़ करके और फिर कैटेगोरिकल कैटेगोरिकली दोनों को डील कर सकती हूँ लाइक like मैं न्यूरॉन्स को मैं किसी ऑब्जेक्ट के तहत देखूँ न्यूरॉन्स के तहत ना देखूँ और मैं टोपोलॉजी को भी टोपोलॉजी के स्ट्रक्चर्स को मैं स्ट्रक्चर के तौर पर नहीं देखूँ मैं कोई ऑब्जेक्ट के तौर पर देखूँ तो मैं क्योंकि दोनों की दोनों कैटेगरीज बन जाएंगी तो इसलिए मैं कैटेगोरिकली इनको डील कर सकती हूँ एट द सेम टाइम इसी तरह से न सिर्फ दो में तीन चार मल्टीपल मल्टीपल एरियाज़ को मल्टीपल एरियाज़ ऑफ मैथमेटिक्स को डील कर सकती हूँ एट द सेम टाइम कैटेगरी थ्योरी अनरिलेटेड फील्ड्स के दरमियान भी हमें कनेक्शंस दे देती है एक्चुअली वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं हमें एक्सपेक्ट expect, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि यहाँ पर भी कोई कनेक्शन निकल सकता है लेकिन कैटेगरी थ्योरी की वजह से हम कनेक्शन फाइंड कर सकते हैं और जो कि हमारी रिसर्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है एंड टू नो वॉट लाइज बिनीथ द सरफेस मतलब कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें पता हो कि अंदर क्या चीज़ है ऑब्जेक्ट बेसिकली है किस किस्म के लेकिन वो क्योंकि रिलेश रिलेट कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से या दूसरे सरफेस से एक सरफेस दूसरे सरफेस से सरफेस हमें नहीं पता किस तरीके की है सो so, हम एक दूसरे के रिलेशन से अगर हमें एक की प्रॉपर्टी पता हो तो हम दूसरे की प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं सो वंस वी कैरेग्राइज वी डोंट नीड टू लुक इनसाइड द ऑब्जेक्ट क्योंकि हम हमें अगर एक दफ़ा कैटेगरी मिल गई कि मतलब जो रिलेशंस मिल गए एक दूसरे के साथ तो जो इनकी यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ हैं हम इसके ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं एंड कैटेगरी थोड़ी बेसिकली यूज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड सिंथेसाइज द इंफॉर्मेशन के अब ये तो जैसे मैंने एक इंस्टीट्यूट आई की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ कर दिया कैटेगराइज करके ऑर्गेनाइज़ कर दिया कि डिपार्टमेंट्स बना के और फिर उनके अंडर जो जो चीज़ें आती हैं वो कर दी तो ये एक छोटे पैमाने पर मैं बोल सकती हूँ कि ये कैटगरी जो है वो अप्लाई हुई हुई है और ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है लेकिन जहाँ हमें पता है कि हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जहाँ हमें पता है कि हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो हम वहाँ पर कैटेगराइज करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ब्रेन में भी न्यूरॉन्स की चीज़ों को न्यूरॉन्स के मल्टीपल सिस्टम्स को जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कैटेगरी थ्योरी कैटेगरी थ्योरी बेस्ड ऑन फोर थिंग्स। ऑब्जेक्ट मॉर्फिज्म, कंपोजिशन एंड आइडेंटिटीज मीन्स अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इज़ बेसिकली नंबर्स हो सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स हो सकती है कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स विद एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं ठीक है एंड व्हाट इज मॉर्फिज्म मॉर्फिज्म इज़ बेसिकली रिलेशन बिटवीन अ डायरेक्शन मतलब देर इज़ अ मॉर्फिज्म फ्रॉम ए टू बी एफ जो है वो मॉर्फिज्म है ए टू बी ए इज रिलेटेड टू बी बट बी डजेंट रिटर्न इट बी अ वन वे कनेक्शन ठीक है मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरीके से भी हो ज़रूरी नहीं है ये बात और हो सकता है कि बहुत सारे हों बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं मल्टीपल मैपिंग हो सकती है इनके बीच लाइक ए जो है वो बी से बहुत सारी मैपिंग बना रहा हो एफ जी एच एंड सो ऑन सो हम ऐसे लिख सकते हैं कैटेगरी ए बी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ एफ जी कॉमा सो ऑन ठीक है एंड इट कुड बी द केस दैट द सेट ऑफ मॉर्फिज्म फ्रॉम ए टू बी इज एम टी और अगर एम टी हो तो मतलब रिलेट नहीं कर रहा ठीक है ए और बी जो है वो रिलेट ही नहीं कर रहे एंड कंपोजिशन कंपोजिशन इज लाइक अगर ए से बी कोई मॉर्फिज्म है एफ और बी से सी कोई मॉर्फिज्म है जी तो ए से सी कोई मॉर्फिज्म होगा विच इज़ एच तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये जो हम कंबाइन कर रहे हैं मैपिंग uh, को वो बेसिकली कंपोजिशन कहलाती है और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से इस सिंबल से हमने मैथ्स में ये चीज़ पढ़ी हुई है कंपोजिशन ठीक है सो so, हम इसको लिख सकते हैं जी कंपोजिशन एफ विच इज़ एच ठीक है आइडेंटिटीज़ आइडेंटिटीज़ मतलब कोई ऐसा मॉरफिज़म जो अपने आप पर ही मैप करे मतलब कि कोई ऐसा मॉरफिज़म है जो अपने आप पर ही मैप करें ए से ए पर मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपने आप पर ही मैप कर रहा हो सो इट्स आइडेंटिटी और जब कैटेगरी बना रहे हो तो कैटेगरी ए कॉमा ए इज इक्वल टू वन 1 वन एंड सो ऑन ठीक है क्योंकि बहुत सारे मैपिंग हो सकती है नाउ आफ्टर ऑल दीज डेफिनेशंस वी कैन नाउ डिफाइन द कैटेगरी थ्योरी सो A caricate is a collection of objects and arrows, arrows metal morphisms between those objects with the law of composition for arrows that is associative and unital. Okay? So composition se hum associativity or unital, basically identity ko represent kar So the nature of the object are less important than the patterns. डिस्क्राइब बाई द एरोज दैट कन्क्ट द ऑब्जेक्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट की नेचर क्या है वो हमें आ, नहीं मतलब हमें हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होता हम किस से ऑब्जेक्ट कन्क्ट है किस से रिलेशंस बन रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कैटेगरी थ्यूरी में सो एसोसिएटिटी ऑफ कम्पोजिशन को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मोफिजम एफ है ए टू बी और बी टू सी हमारे पास मॉर्फिज्म है जी तो हम जब ए और सी को कंबाइन करेंगे इट विल बी जी कंपोजिट एफ सिर्फ हम इसको देखें तो एच कंपोजिट जी कंपोजिट एफ़ विल बी ए टू डी ठीक है मतलब ए टू डी के लिए हमें ये पाथ भी मिल सकती है और ये पाथ भी के पहले हम एच कंपोजिट जी कर लें और फिर एफ से लाइक इस तरह से ये दोनों पाथ हमें ए टू बी को बता रही है रिप्रेजेंट कर रही है सो दे आर इक्वल सो दे आर एसोसिएटिव एंड द अनदर प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी कि जिसमें ऑब्जेक्ट अपने ऊपर ही मैप कर रहा हो मतलब कि वन कंपोजिट एफ इज़ इक्वल टू एफ ये कोई फंक्शन एफ़ है जो अपने ऊपर ही मैप कर रहा है ठीक है और अगर दो वर्डस हैं सॉरी दो ऑब्जेक्ट्स हैं सो तो ए भी अपने ऊपर आइडेंटिटी मैप बनाएगा और बी भी, भी अपने ऊपर आइडेंटिटी मैप बनाएगा और ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे होंगे सो दे कैन मेक कैटेगरी अदरवाइज ये लोग कैटेगरी ही नहीं बना सकते अगर अपने ऊपर मैपिंग नहीं कर रहे तो कैटेगरी नहीं बना सकते ठीक है